हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और शादी के जो ब्लॉग थे अपलोड हो चुके हैं सारे, पिछले कल ही मैंने जो ब्लॉग डाला था। आज है सैटरडे और मैं भी आज घर पे ही हूँ। संडे उठा हुई 11:30 बजे ही हूँ लगभग, थोड़ी देर पहले उठ के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह हमने आज किया। सभी लोग जो है वो आज लेट ही उठे थे, वो इसलिए क्योंकि यार आज तो मतलब यार रात की बारिश लगी हुई है। अभी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अभी टाइम जो वो 1 बजने को आया है दिन का, तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो कम हुई है। और पीछे आप देख सकते हो यार, मतलब ना बुरे हाल से नाले वगैरह चले हुए हैं साइड साइड में, और पीछे व्यू तो अभी थोड़ा दिखाने लायक नहीं है क्योंकि पिछली बरसात में जो ये स्लाइडिंग, ये जो बड़ी वाली आप देख रहे हो ना मेरी सामने उंगली के, ये पिछली बरसात में हुई थी। अभी भी जो वो स्लाइडिंग इसमें हो रही है, मतलब छोटे छोटे वगैरह पत्थर वगैरह बड़े कभी गिर रहे हैं कभी नहीं गिर रहे हैं, तो मतलब बारिश के दौरान ये गिरते ही रहते हैं। और अभी जस्ट हम उठे थे थोड़ी देर पहले, तो आज हम सोच रहे थे कि डीपू तक जाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो लेट हो चुके हैं, टाइम तो अभी वैसे दिन के 1 बजने को आए हैं, पता नहीं अब जाना है हमने नहीं जाना है। ये साइड सभी लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब बारिश हटती है। उस साइड पता नहीं दिख रहे होंगे आपको, सुधा और हनी बैठे हुए हैं। इस साइड मम्मी पता नहीं किस सोच में बैठी हुई है, क्या सोच रहे हो? है ना, एक्चुअली मम्मी की भी आपको पता ही तबीयत जो ख़राब थी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, तो अब थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक हो गई है। तो अब जो है वो बोल रही है कि गाय छोड़नी है, इतनी बरसात में जो वो गाय छोड़ने जाएंगे, जो कि आपको पता है कितनी होती है यहाँ पे हमारे यहाँ। और उस साइड जूली भी बैठी हुई है, पता नहीं यार सुबह सुबह जो कहीं भीग के आ जाती है और इसके ऊपर बैठ जाती है, मतलब यार इस बेड के ऊपर, यानी कि मंजा हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ही बैठती है, या तो ये चेयर के ऊपर बैठती है, नीचे बिल्कुल नहीं बैठती है। तबीयत ठीक है अब मम्मी? थोड़ी थोड़ी ठीक है ना तबीयत, चलो ठीक है। बाकी सुध और रानी तो पता नहीं हाई नहीं करेंगे, आज दूर बैठे हुए हैं, इनके पास अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ। बाकी यार एक्चुअली दोस्तों, मेरे मामा जी की भी तबीयत जो वो ख़राब थी, 1 हफ्ते से वो एडमिट थे टांडा हॉस्पिटल में, वो भी शाम को ही घर में आ गए हैं। एक्चुअली अभी उनकी तबीयत जो वो ठीक है, तो शाम को उनको छुट्टी हुई थी, तो वो शाम को ही घर में जो वो पहुँचे हैं। चलो मैडम से मिलवा ही देता हूँ मैं, ये रही मैडम। सुधा क्या कर रही है? हाय भी बोलना होता कभी कभार है। अभी। और इस साइड है हमारे ऋत्विक भाई, क्या बोल रहे हो? लाइट जला रहा हूं। कौन जला रहा था लाइट आज? अली। अच्छा आपने जलाई लाइट की नहीं जलाई थी? जी। आपको नींद आई थी आज की नहीं आई थी? कब उठे आपने, गेटअप कब किया था? कब किए गए? सुबह किया था। अच्छा, और मैडम तो पता नहीं यार सुबह सुबह आज मेहंदी लगा के बैठी हुई, क्या चक्कर है? आप किसकी शादी है? अब शादियाँ तो अब सब खत्म हो गई, अब किसकी शादी खत्म हो गई? सावन लगा, सावन का महीना। मैंने सोचा हमने डीपू में जाना तो इसलिए लगाई होगी मेहंदी, है ना मेहंदी, मेरे को लग रहा है अब, है ना। डीपू वाला जो सामान नहीं देता बिना मेहंदी के, मेरे आईडी से चल पड़ते, मौसम साफ हो गया, कल फिर बारिश हो सकती है, क्योंकि अब करना भी क्या है, क्योंकि और कोई काम है नहीं, तो जाके आते हैं मेरे आईडी से। और कैसे जाना है, टाइम अभी एक ही तो बचा है, खाना खा के चल जाते हैं, और क्या होगा, आने को छोड़ जाएंगे मम्मी के पास। और दोस्तों यार मम्मी अभी बोल रही है नीचे से आवाज़ लगा के कि घुराल में जो वो पानी आ गया, मतलब ओवर में जो वो पानी आ गया, क्योंकि बरसात इतनी हुई थी यार, पहले भी आ जाता था तो शाम को बारिश, आज भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो आज भी पानी जो वो काफ़ी ज़्यादा घुराल में आ गया है, तो अभी हमें वहाँ पर ही जाना पड़ेगा, डब्बे वगैरह लेके जो वो पानी नहीं सारा जो वो निकालना पड़ेगा वहाँ से। दोस्तों मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ पर जो पानी घुराल में हमारी आ गया है। सुधा तो पहले ही बढ़ गई घुराल में, देखते हैं ज़्यादा है कि थोड़ा है, है ना, इसमें उठाना पड़ेगा अभी हमें भर भर के। कहाँ है ये है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो हमें अभी ये उठाना पड़ेगा। मैडम लग पड़ी है, ये भर के देगी और मैं जो वो इस डब्बे में उठा के लेके जाऊंगा। गाय ने कैसे बैठना है? थोड़ा सूखा डालना पड़ेगा ना, घास घूस डालना पड़ेगा पहले, पानी तो उठा लेते हैं, पानी तो उठा लेते हैं पहले। A few moments later. दोस्तों अभी टाइम बजने को आए हैं 2:30, यानी कि 3 बजने को आए हैं, और हम भी जरा वो आपको पता ही है गए हुए थे घुराल में, वहाँ पे हमने पानी वगैरह निकाला तो हालत थोड़ी खराब हो गई थी, अभी भी थोड़ा नहा धो के एकदम से थोड़ा सा फ्रेश हो गया। और हनी साइड पर क्यों हल्ला कर रहा है? फोन चाहिए इसको और नींद भी आ रही है। अच्छा अभी नींद भी करेगा, अभी बत्तू भी खाने वाला है, ये क्या बना है? और आज अभी हम खाने वाले हैं लंच, लंच करने वाले हैं, क्या बना लंच में? और आज खाने में बना हुआ है, देख सकते हो आप, छाई वाला साग, और अभी हम खाने वाले। मम्मी तो खा के निकल गई गाय के पास, और अभी हम खा रहे हैं, है ना। हनी हाय कर दो, हाय करो, पापा फोन देंगे फिर। हाय करो, तो अब ये रो रहा है। दोस्तों बारिश एक बार धीरे धीरे जो फिर से शुरू हो गई है, और यार अभी ना मैं फ़ोन देख रहा था, हनी भी साथ में ही था,
तो उसको मतलब नींद ही आने लग पड़ी थी, क्योंकि आज दिन भर सोया नहीं। जब मैं घर में होता हूँ तो ये सोता कम ही है, क्योंकि यार खेलना खेलना मेरे से, लड़ना ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने पीछे देखा तो ये सोने वाला ही था, लेकिन मैंने इसको सोने नहीं दिया, क्योंकि अभी इस टाइम जो वो नहीं सोना है, शाम के टाइम एक ही बार सोना है अब। तो मैंने बोला इसको यार चल साइकिल चला लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ये साइकिल तो चलाता नहीं है बिल्कुल भी इसको, मतलब यार कितना टाइम हो गया लिए हुए, नहीं क्या बोलती है, मतलब बैठता भी नहीं है, नहीं तो कम से कम पैंडल मार ले। आरू को देख, आरू चलाने शुरू हो गया है ना, तो वो बड़ा है, कितना बड़ा है, नहीं आज तक तो इसको ही मार लेना चाहिए, बड़ा नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं वैसे इसको, मेरे को लग रहा है यार साइकिल का नहीं मन था इसका लेने का, पर चला नहीं पाता ही। देख लो कहाँ चलाओ साइकिल, चलाओ ला फोन बजा, खुद चला ला। और दोस्तों आज अचानक से मतलब चटनी खाने का मन कर रहा था शाम को, मतलब डिनर में, तो मतलब दिन में मुझे बैठे बैठे ऐसे याद आया था कि हमने लास्ट टाइम, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं बुरांस के फूल लाया हुआ था दो बोरे भर के, और जो वो बोरे भर के लाया था मैंने, वो बुरांस हमने सुखा के रखे हुए थे कहीं, तो मैंने बोला सुधा और मम्मी को कि आज उसकी बुरांस की चटनी बनाते हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दिए यार। एक्चुअली सफाई वगैरह जो वो करते रहते हैं अंदर, तो पता नहीं वहाँ पे उन्होंने कहाँ वो मिस कर दिए हैं, लेकिन वैसे वो ढूंढ रहे हैं अभी, अगर मिल जाएंगे वो तो मतलब आज तो मतलब मज़ा आ जाएगा यार डिनर करने का। और उसकी चटनी तो आपको पता ही यार, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बड़ी बड़ी टेस्टी होती है उसकी चटनी। वैसे अब मिलते हैं तो ही खा पाएंगे, अदरवाइज़ पता नहीं वैसे कहाँ रख दिए हैं वो उन्होंने, देखते हैं अगर मिलते तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने मतलब सूख गए होंगे बुरे हाल से। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों यार बड़ी मतलब देर के बाद, और पता नहीं कहाँ रखे हुए थे ये, मिल गई है पोटली हमें, मतलब इसमें रखे हुए थे हमने बुरांस के फूल, ये देखिए सुखा के, तो ये देख सकते हो आप भाई बुरे हाल से, मतलब पूरे सूख गए ना, मतलब करारे हो गए ये, तो मेरे को लग रहा हो जाते हैं, मतलब बनेंगे कैसे, तो फिर उबालने, कैसे बनाने, उबाल के, उबालने पड़ेंगे पहले ना, मेरे को लग रहा है। तो मतलब इसकी कितनी चटनी बन जाएगी लगभग, कोई इसकी बन जाएगी 7-8 चटनियां बन जाएंगी, है ना। तो चलो चलो तो अभी लेते हैं आज हम, है ना, बुरांस की चटनी की फीलिंग क्या बोलती है, इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी ताजे फूलों की बनती है, चल जो जो भी है। तो फाइनली दोस्तों अभी उबाल के जो है वो बुरांस के फूल यानी कि चिव इस तरह के हो गए हैं ना, ये तो ऐसा लग रहा है कोई जैम जैम की तरह लग रहे हैं ना, है ना, जैम ऐसा, हाँ ऐसे लग रहा है कुछ जैम की तरह, थोड़ा थोड़ा बना दिया, बाकी सामान भी तैयार है, इसके अंदर डाल दिया, क्या क्या डाला ये देख, अदरक मिर्ची लहसुन और पुदीना इसमें डालना है, चल डाल दे फिर बना देते हैं चटनी का, लेती हैं आज फीलिंग, लेते हैं चटनी वाली आज बुरांस के फूलों की, चलो जो भी है ठीक है, मैं तो ऐसे खा लूँगा, मेरे को दे थोड़ा सा थोड़ा सा, वाह। दोस्तों एक बार फिर से खा पी के हम रोज की तरह जो है वो फिर से कमरे में आ गए हैं, हनी भी आ गया है, हाय करो, हनी ने वीडियो बनाई थी, नहीं क्यों, मैं तो आज के कार के मैंने ये था, वेयर इज योर कार, मैं तो नहीं, ओके। और यार दोस्तों आज तो सच में यार मतलब डिनर करने का मजा ही आ गया, मतलब बुरांस की चटनी की, मतलब ओके बुरांस की चटनी की तो क्या ही फीलिंग थी यार, मुझे तो मतलब काफी बढ़िया लगी, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं थी यार, बताऊंगा तो मतलब जो फ्रेश होती है वो फ्रेश ही होती है, लेकिन फिर भी मतलब फीलिंग जो थी आज खाने की मतलब बढ़िया आ गई। और पीछे आप देख रहे हो मैडम जो चक्कर लगा रही है, खाना ज्यादा खा लिया, क्या कर लिया, खाना ज्यादा खा लिया, तो क्या यहाँ होगा, बाहर दौड़ जाओ थोड़ी देर चक्कर लगा के, दो चार बाहर जाओ चौक के लगाने पाओ में, हम यहाँ तो साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, है ना, करो नीचे सो के करो, कैसे करते हैं, तो अभी अभी रोज एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा भी, करो सो के बताओ कैसे करते हैं, हाँ वेरी गुड, करो करो वेरी गुड, तो थोड़ी थोड़ी आज एक्सरसाइज करने इसको बता दिए, तो ये भी करने लग जाता है, हमें बोलता है कि चलो मम्मा एक्सरसाइज, अच्छा है ना। बाकी आज तो हम डिपो में नहीं जा पाए, तो कल देखते हैं, वैसे कल का है प्रोग्राम, पर अगर बारिश नहीं हुई तो क्या बोलती है, जाना है कल, है ना, फिर आपको छुट्टी नहीं होती तो कैसे जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगी अकेले, हाँ तो वो तो है। और सुधा भी पता नहीं 3-4 दिन बाद कहीं जा रही है, तो वो अब आपको 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा कहाँ पे जा रही है। बाकी आई होप कि आपको वीडियो ये छोटी सी थी लेकिन अच्छी लगी होगी, और जा रही है आपको छोड़ कहाँ पे, भाग मत जाना यार तू, अब सियाणी सकली होगी। और यार एक तो दोस्तों यार मैं अपनी टी शर्ट से कभी कभी सच में परेशान हो जाता हूँ यार, ऐसे लगता जो अंदर वाली जो मेरी इनर होती है उसे कोई यहाँ से उठा के ले जाएगा, इस साइड कभी इस साइड निकल जाती है, कभी इस साइड निकल जाती है, क्या बोलती है, पता नहीं क्या है,
गले ठीक नहीं टी शर्ट के, पता नहीं क्या है, मैं तो इससे बड़ा परेशान हूँ सचमें यार। ये भी बोलती है मेरे को कभी कभी यहाँ से कोई उठा ले जाएगा अपने को। बाबू लाई मैंने अपने बाबू लगाई है। हाँ जी हाँ, ने भी लगाई है, ये लगाई है, लगाई है। बाकी ऐसे ही मिलते हैं एक और नई पीढ़ी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।